आप ये देखिए बराबर में भी तो जगह है, बहुत सारे यहाँ पे रामलीला ग्राउंड है, बहुत सारी जगह है पार्किंग के लिए, केवल एक ये बाबा साहब का पार्क ही क्यों नजर आ रहा है उन्हें? ये अत्याचार करने बंद कर दे, बहुजन समाज के साथ जो जो भी बाबा साहब से जुड़ा हुआ है वो अब सहन नहीं करेगा किसी के भी अत्याचारों को, और आगे ध्यान रहे कि आगे के जो अत्याचार है बिल्कुल बंद कर दे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस पार्किंग बनेगी तो हमारे समाज के लोग इसमें आ भी नहीं पाएंगे, यहाँ पे कोई मेला नहीं लग पाएगा जो 3 दिन का उत्सव लगता है, और यहाँ पर जब वो आएंगे तो यहाँ पे पार्किंग का भी पैसा लगाएंगे, और जो लोग आके बाबा साहब के भी दर्शन करेंगे उस पर भी पैसा लगा दें, टिकट लगा देंगे। हमारी ये धरोहर है और हम उसे बचाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इसको, जिस तरह से हमारे पूर्वज हमें ज़मीन देते हैं, मकान देते हैं, धन दौलत देते हैं, जेवर देते हैं, पैसा देते हैं, हम उस पैसे को किसी को भी नहीं देना चाहते, उसी तरह से इस पार्क को भी हम अब ना तो हम नगर निगम को देना चाहते हैं, ना ही हम GDA को देना चाहते हैं। साल 70 साल पहले की हमारी धरोहर है, इसमें हमारे बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाया जाता है, और यहाँ पर सिर्फ ये 2-4, 10-5 गांव की बात नहीं है, ये तो पूरे एनसीआर क्या, पूरे जो उत्तर प्रदेश के आधे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जन्म मनाने आते हैं बाबा साहब का, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे नंबर का है ये जो जन्म स्थल का जहाँ पर जन्म उत्सव मनाया जाता है, दूसरे भारत में, पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आता है, और ये इनकी जो रणनीति है ये इसको हमारे बाबा साहब के यहाँ पर मूर्ति को हटाना या इसमें पार्किंग बनाना ये बहुत गलत है। और देखिए ये इन्हें ये भी नहीं लग रहा कि आगे 22 में चुनाव भी आ रहा है, ये उससे भी मतलब डर नहीं रहे हैं कि हमारा समाज अब इनको मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने जगह जगह हमारे समाज को परेशान किया हुआ है, दिल्ली में हमारे जो हमारे संत गुरु हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, उनका टेम्पल भी तोड़ा था, यानी ये बहुत गलत हो रहा है और हम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम इस पार्क में चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम इसमें पार्किंग नहीं बनने देंगे। ये जो पार्क है इसमें हमारे जो महापुरुष हैं उनके जन्मदिन दिवस भी मनाए जाते हैं, परिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है, और जो बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं वो भी यहाँ पे मनाए जाते हैं, जो घर में नहीं मना सकते बाबा साहब को, जो मानते हैं बाबा साहब के अनुयायी वो सब यहाँ पर आकर बर्थडे मनाते हैं, और जब लोग थक जाते हैं तो यहाँ पर आकर विश्राम भी करते हैं। ये 76 में वो गाजियाबाद के फर्स्ट वुमेन चेयरमैन थे, तो उस वक्त उन्होंने ये उर्वशी ये जो पार्क है इसका विस्तार कराया, इसका ग्रीनीकरण करा के, और बाबा साहब की मूर्ति को उन्होंने ही गाजियाबाद की फर्स्ट मूर्ति को यहाँ पे स्थापित करवाया था, और ये पार्क भी उन्होंने ही अंबेडकर पार्क के नाम से, उनका नाम है श्रीमती कलावती, अभी सन 2018 में 18 फरवरी को वो एक्सपायर हुई। कहीं ना कहीं ये जो सरकार है BJP की, उनकी मानसिकता बहुत ख़राब है, वो कहीं ना कहीं दलितों के विरोध में है, तो धीरे धीरे पहले यहाँ पार्किंग बनाएंगे, धीरे धीरे हमारे पार्क को भी ख़त्म कर देंगे, और अगर ये ही ये पार्क ख़त्म हो गया तो जो छोटे मोटे पार्क हैं वो भी नहीं बचेंगे, तो इसके लिए हम लास्ट तक लड़ते रहेंगे और उनको कामयाब नहीं होने देंगे। मैं यहाँ पर 2017 से अंबेडकर जन्म समिति के कार्यक्रमों को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संभाल रही हूँ। यहाँ पर ये जो अंबेडकर पार्क है ये हमारी माता श्री कलावती जी ने हमें दिया है। इस पार्क में हमारे जो बच्चे हैं, जो हमसे बड़े बच्चे थे, वो भी घूमे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी घूमेगी, खेलेगी, कूदेगी, और ये एकमात्र ये गाजियाबाद का दिल कहा जाता है। अगर आज के समय में हम ये कहें कि हाईटेक सिटी बनाना है, इसका ग्रीनीकरण है कराना है, तो वो केवल धोखा है, बहुजन समाज के लिए ये धोखा दे रही है सरकार, और कुछ भी नहीं कर रही है इससे ज़्यादा।